नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मदर टेरेसा भारत में यह नाम हर बच्चा जानता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव समाज की सेवा में लगा दिया। गरीबों को गले लगाना और बीमार लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करने वाली मदर टेरेसा का संबंध भारत के कोलकाता से रहा है। आज ही के दिन 1969 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा कैथोलिक नन थी जिन्होंने दुनिया को शांति का पैगाम दिया और उन्हें शांति दूत भी कहा जाता है। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को स्कोप्से में हुआ, जो बाल्कन में है। उनके पिता एक साधारण व्यवसायी थे। नोबेल फाउंडेशन ने साल 1969 में मदर टेरेसा को दुनिया में गरीबी और संकट से उबारने के लिए किए गए योगदान के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिसी ने सेंट टेरेसा की उपाधि से नवाजा था। हालांकि कार्यक्रम में उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसमें नोबेल सम्मान पूछ था। भारत में गरीबों की मदद के लिए उन्होंने $1,92,000 की पुरस्कार राशि को भलाई में लगाने के लिए काम किया। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, केमिस्ट्री, मेडिसिन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से रखा गया था। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसे ऐसे सुरमा हैं जिन्होंने अपने शानदार क्रिकेट करियर की वजह से लोगों को अपना दीवाना बना दिया है, जिनका नाम आज भी लोगों के जहन में है। उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है टीम के पूर्व कप्तान और कोच रह चुके लेग स्पिनर अनिल कुंबले। कुंबले का आज यानी 17 अक्टूबर को जन्मदिन है। उनका जन्म आज के दिन साल 1970 में बेंगलुरु में हुआ था। उनका क्रिकेट करियर बहुत ही शानदार रहा है। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाए हैं। अनिल कुंबले ने 7 फरवरी 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच में एक ही पारी में 10 विकेट लिए थे। यह रिकॉर्ड आज भी उनके नाम दर्ज है। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में अनिल कुंबले ने यह खास रिकॉर्ड बनाया था। इस दौरान कुंबले ने 9 मेडन ओवर फेंके थे, जिसमें 74 रन देकर 10 विकेट अपने नाम की थी। अनिल कुंबले टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे और भारत के पहले गेंदबाज हैं। उनसे पहले साल 1956 में इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट ले चुके हैं। अनिल कुंबले ने अपने करियर में 132 टेस्ट मैच खेले हैं, जहां उन्होंने 619 विकेट अपने नाम किए हैं, जबकि वनडे में उन्होंने 271 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 337 विकेट हासिल किए हैं। वही बात करें T20 मैचों की, तो उन्होंने अपने करियर में 42 T20 मैच खेले हैं, जहां उन्होंने 45 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे थे। कुंबले इंडिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हुआ करते थे, जिनकी गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाज भी डरा करते थे। कोरोना वायरस महामारी ने लगभग 2 साल से दुनिया को जकड़ लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी और अत्यधिक गरीबी के खिलाफ चल रही लड़ाई में दशकों की प्रगति को बड़ा नुकसान पहुंचा है। विश्व बैंक के अनुसार महामारी के दौरान पैदा हुए संकट से लगभग 15 करोड़ के करीब लोग गरीबी में धकेले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है और दुनिया भर में गरीबी, हिंसा और भूख पर प्रकाश डालता है। इस दिन का उद्देश्य गरीबी को कम करने और मिटाने के तरीके खोजना, गरीबी में रहने वाले लोगों के प्रयास और संघर्ष को स्वीकार करना और उन्हें सुनने का मौका देना है। गरीबी मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इन अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर के लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। गरीबी मुक्त विश्व को प्राप्त किए बिना मानव जाति के विकास की कल्पना करना कठिन है। ये पहली बार है कि फ्रांस के पेरिस में 1987 में ट्रोकेडेरो में ह्यूमन राइट्स एंड लिबर्टीज प्लाजा में गरीबी, भूख, हिंसा और भय के पीड़ितों को सम्मानित करने के लिए मनाया गया था। स्मारक पत्र का अनावरण इंटरनेशनल मूवमेंट एडिटी फोर्थ वर्ल्ड के संस्थापक जोसेफ रसिंकी ने किया था। फिर 1952 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में नामांकित किया। इस दिन को जागरूकता बढ़ाने और गरीबी से पीड़ित लोगों या परिवारों के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर करने और विश्व स्तर पर गरीबी के सभी रूपों में उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए मनाया जाता है। ऐसे लोग बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं और असुरक्षित आवास, खतरनाक काम की स्थिति, न्याय तक असमान पहुंच, राजनीतिक शक्ति की कमी और समिति स्वास्थ्य देखभाल के संपर्क में है। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।